हेलो फ्रेंड्स, एमएच की ओर से पुनः आप देख रहे हैं एचपी व्लॉग्स। तो कैसे हैं भाव लोग? तो गाइस, मैं आपको बता देता हूं, टाइम हो रहा है अभी 11 बज रहे हैं। तो हम आ चुके हैं, अगर आपने पहला व्लॉग देखा होगा इससे वाला, तो हमारा रूम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो हम रातों रात आ गए थे हरिद्वार। तो वहां पे मन नहीं लग रहा था, मतलब दिवांशु भाई को कह रहा था कि गंगा जी देखनी है मुझे हरिद्वार वाली हर की पैड़ी पे, क्योंकि अलग ही फील आती है। तो रात हम वहां से चले थे 5:30, मतलब सुबह ही, मान लो सारी रात हम वैसे सोए नहीं थे। 5:30 हम चले थे वहां से, 6 बजे हम यहाँ पे आ गए थे हरिद्वार। तो हमने यही हर की पैड़ी के पास रूम लिया है। तो आपको बता देता हूँ, बहुत तगड़ा हादसा होते होते रह गया हमारे साथ, क्योंकि रास्ता बिल्कुल, जो ऋषिकेश से हरिद्वार आते हैं बिल्कुल जंगल का रास्ता है, बीच में रात के लिए मतलब बहुत खतरनाक है, अंधेरा रहता है, कोई भी नहीं था पूरी रोड पे। तो हमारी बाइक वैसे आराम से आ गई, और जैसे ही हम हर की पैड़ी के पास पहुंचे, बाइक की चैन टूट गई एकदम। तो ये एक बार और हुआ है मेरी बाइक में, बहुत काफी टाइम पहले, तो चैन टूट गई। तो हम क्या करते, क्योंकि वो सारा पैक वैक रहता है, कैसे ठीक ठीक करते? तो हम बस फिर हर की पैड़ी तक खींचते हुए लाए हैं उसे, मतलब ऐसे 400-500 मीटर खींचनी पड़ी हमें, फिर हमने यहीं पे रूम ले लिया था। तो आज का सबसे पहले काम है कि हमें बाइक ठीक करवानी है, और ब्रेकफास्ट करके हम फिर से चलेंगे आज ऋषिकेश। तो गाइस देखिए, ये था रूम। तो ये एक डबल बेड था यहाँ पे, और ये टेबल वेबल दे रखी है, और इस साइड टॉयलेट। तो सही है, मतलब वैसे सच बताऊँ तो बहुत ही बेकार रूम है ये, बहुत ही ज्यादा मतलब स्मेल आ रही है यहाँ पे, जैसे सीलन की स्मेल होती है ना। तो हमें पता है हम कैसे रहे यहाँ पे 5-6 घंटे, चले तो चल जाए। तो गाइस देखिए, सामने है हर की पैड़ी, और यहाँ पे हम स्टे कर रहे थे। तो ये खड़ी लाल परी, तो लाल परी भी ठीक करवानी है अभी, और दीपांशु अंदर जा चुका है, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बाइक का सीन शॉर्ट करके सीधा चलते हैं ऋषिकेश। तो गाइस फाइनली लाल परी ठीक हो चुकी है। तो बहुत दूर पैदल ले जाना पड़ा था हमें लाल परी को, तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, और टाइम हो चुका है 12:30। तो अब हर की पैड़ी की तरफ ही चल रहे हैं। एक तो यहाँ जाम भाई साहब बुरे वाला, वो देखिए ये है मनसा देवी का रास्ता। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तो हम जाएंगे ऋषिकेश, उससे पहले हम एक जगह बीच में रुकेंगे, आपको जगह दिखाने वाला हूँ मैं, एक भीमगोड़ा। तो हर की पौड़ी हम आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि अभी हम काफ़ी दिन है यहाँ पे, प्रोग्राम बहुत लंबा है, अभी तो स्टार्टिंग है बस। तो देखिए गाइस, यहाँ पे तो अपना होटल जहाँ पे स्टे कर रहे थे हम, और सामने है हर की पैड़ी, तो बाइक सीधा जा ही नहीं सकती, और तो हमें यहाँ को मुड़ना होगा लेफ्ट। तो गाइस देखिए, यहाँ चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। देखिए गाइस, यहाँ पे टूटी थी रात लाल परी की चैन, टूटी क्या उतर गई थी। तो वैसे अभी जब हमने ठीक करवाई है, तो वो बता रहे थे भैया कि ये ज़्यादा बड़ी हो रही है, बता नहीं कैसे। तो इन्होंने मतलब दो चूड़ी कटवाई है हमने चैन की, चैन छोटी करवाई है थोड़ी, क्योंकि एक दो बार दिक्कत मुझे पहले भी आ चुकी है चैन की। तो गाइस देखिए, यहाँ पर ये मूर्ति नहीं थी पहले, तो भीम की मूर्ति है यहाँ पर इतनी बड़ी, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप आ चुके हो भीमगोड़ा। तो गाइस देखिए, ये है भीमगोड़ा, देखिए आपको जल दिख रहा होगा इसमें। देखिए ये है भीमगोड़ा, और देखिए आपको आपको दिख रहे होंगे शिवलिंग, और साइड में टेंपल्स भी हैं, तो दर्शन कर लिए हमने सारे। और गाइस देखिए, यहाँ पे सामने मुन्ना भाई जी की शॉप है, तो यहाँ पे भी चाय पी है हमने बैठ के, तो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, यहाँ जरूर ट्राई करना। गाइस देखिए, यहाँ पे भीम की मूर्ति बना रखी है कितनी अच्छी। तो यहाँ से हर की पैड़ी का रास्ता है, और भीमगोड़ा साइड में, तो अब हम इधर को चलते हैं सीधा ऋषिकेश। तो हम रोड पर चढ़ जाएंगे, वहाँ से ऋषिकेश के लिए मुड़ जाएंगे हम लेफ्ट, तो सीधा मिलते हैं ऋषिकेश पहुँचते। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम ऋषिकेश। तो अभी हम राम झूला के पास, लक्ष्मण झूला आगे बढ़ता है, तो उस पर बाइक नहीं जाती, तो हम सोच रहे हैं कल की तरह पहले राम झूला से बाइक पार कर लेते हैं, और फिर जाएंगे लक्ष्मण झूला। तो ऐसा पूरा आधा घंटा लग गया है हमें हरिद्वार से आने में, क्योंकि आराम आराम से आए हैं, तेज चलाने का मन नहीं कर रहा था। लाल परी बेचारी बहुत दुखों से जूझ रही है, साइड में दिख रहा होगा राफ्टिंग भी हो रही है। तो राफ्टिंग के भी रेट अभी हमने पता किए हैं, तो देखते हैं
क्या बनता है सीन। वैसे दीपांशु भाई अपना डर रहा है थोड़ा राफ्टिंग से, क्योंकि उसने करी नहीं है, मैंने एक बार करी है। डर तो लगता है पर भाई साहब एडवेंचर पूरा है। और ये आ चुके हैं हम राम झूला के पास। चल लाल परी कमाल दिखा दो। देखिए गाइस ये रहा। वाओ दीपांशु अब तो बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि भी उसने देखा ये जितने भी ग्रुप जा रहे हैं राफ्टिंग के वालों के, तो इनमें से कुछ बंदे गिर चुके हैं, वो बहते हुए जा रहे हैं अलग ही। पार हो चुका है अपना राम झूला, तो पहले रूम वूम देखते हैं, फिर बताऊंगा मैं आपको आगे का सीन। देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है साइड का। वाओ भाई साहब मज़ा आने वाला है यहाँ पे बैठते रात को। तो गाइस देखिए अभी हम यहाँ पे आए थे आकाशगंगा रूम देखने, तो यहाँ पे बात नहीं बन पाई अपनी, क्योंकि वो RT-PCR मांग रहे हैं या फिर बोल रहे कि अगर तुम्हारे दोनों वैक्सीन लगी हुई है तो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए उन्हें प्रिंट आउट। हम कह रहे कि ऑनलाइन देख लो, तो ऑनलाइन देखने को रेडी नहीं है, तो कह रहे प्रिंट आउट करा लो। 800 रुपये का ऐसे लोकेशन अच्छी है, देखे सामने का व्यू कितना प्यारा है, गंगा जी जा रही है, ये खड़ी लाल परी। तो देखते हैं कहीं और ही ले लेते हैं, थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं, क्योंकि और कहीं लेंगे तो वो रिपोर्ट वगैरह नहीं मांगने के। तो गाइस टाइम हो रहा है, 2 बज चुके हैं, तो फाइनली हमने ऋषिकेश में रूम ले लिया है। तो देखिए हमें मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए, कल हम रात को ही आए थे, रात के टाइम ही आए थे यहाँ पे, और जब से अब तक हम 3 रूम चेंज कर चुके हैं। पर ये जो रूम है ना, आप भी दीवाना हो जाओगे। इसकी लोकेशन दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए गाइस वो रहा दीपांशु, तो एंट्री वेंट्री करने गया अभी वो, और ऊपर से भी छत पे भी बहुत मजा आने वाला है। सामने का नजारा देख सकते हैं आप, हवा आ रही है यहाँ से बहुत। तो वैसे ये गौशाला है, तो गौ माता भी अच्छी लग रही है यहाँ से देखने में। देखिए सामने गंगा जी, और ये अपना रूम, ये आ गया दीपांशु। देखिए गाइस 106 नंबर है हमारा, और दिखाता हूँ मैं आपको रूम, इस तरह का एक डबल बेड है, और बाकी विंडो भी है यहाँ से, देखिए जाली खोल के बहुत अच्छी हवा आ रही है यहाँ से मतलब। लेकिन हमने एसी वाला लिया है, तो एसी रूम है हमारा, टीवी वीवी सब सारी फैसिलिटी है इसमें, और टॉयलेट भी देखता हूँ मैं भी पहली बार, सही है मतलब स्पेसी है, गीजर वगैरह भी है इसमें। तो कितने का पड़ा है हमें रूम? 1100 हमें रूम पड़ा है 1100 का, तो वो हमसे मतलब 1200 कह रहे थे एसी वाले के लिए, नॉन एसी 1000 का था, तो हमने यही 1100 में लगवा लिया। चलिए तो कपड़े वपड़े चेंज कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर घूमने। अरे एक हिडन वाटरफॉल, तो ऋषिकेश में एक हिडन वाटरफॉल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई साहब तगड़ी ट्रैकिंग है यार।